हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षिणा लर्निंग। सो एसएससी की इस क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉक के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहाँ पर हम एसएससी के अंदर आने वाले सभी सब्जेक्ट्स यानी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, और आने वाले अपकमिंग वीडियोज के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के डिस्कशन को। जैसा मैंने आपको बताया, क्लोक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, देखिए रीजनिंग सेक्शन का, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एसएससी या रेलवे एग्जाम की। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ सीजीएलसी, एचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या रेलवे के अंदर एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपको इसका एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे क्लोक आपने घड़ी देखी हुई होगी, उसमें मेनली टू हैंड्स हमारे होते हैं, एक मिनट हैंड और दूसरा आवर हैंड, क्योंकि जो सेकंड वाला हैंड होता है वो तो देखिए बहुत जल्दी रोटेट होता है, तो उस पर तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना या उस पर क्वेश्चन को पूछना मुश्किल होता है। बट यस, जो मेन हमारे दो हैंड्स है, मिनट हैंड और आवर हैंड, उस पर आपको क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे। आपको जो छोटा वाला हैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है आवर को, और जो बड़ा होता है वो रिप्रेजेंट करता है मिनट को, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें सबसे पहले तो, कि क्लॉक में जो हमें मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो दो हैंड्स होते हैं, एक आवर हैंड जो कि छोटा होता है साइज के अंदर लंबाई में, और जो लंबा होता है वो हमारा होता है मिनट हैंड। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से आपको भी मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू क्लॉक, इसको आप नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे इन एवरी 60 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट्स ऑन द आवर हैंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज्यूम करूं बिल्कुल 12 बजे हैं, 12 बजे का मतलब है दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड जो है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। तो अगर मैं 1 घंटे का गैप लूं, यानी 1 बजे जब आप देखेंगे, तो देखिए आवर हैंड ने तो सिर्फ 5 मिनट जितना गैप का टाइम वो कवर किया होगा स्पेस, जबकि जो आवर हैंड मिनट हैंड वो पूरा देखिए एक बार रोटेट कर गया होगा, यानी 55 मिनट्स जो है वो मिनट हैंड उससे आवर हैंड से आगे निकल गया होगा, ठीक है। अगर आप 1 घंटे का टाइम एज्यूम करें खुद से, जैसे मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल दे देता हूँ, 12 बजे हुए हैं पूरे, 12 बजे का मतलब है मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड कर रहे होंगे बिल्कुल 12 बजे, ठीक है। अब जब हम 1 घंटे के बाद की बात करें, जब 1 बज जाएगा तो जो आवर हैंड है वो तो सिर्फ 12 से 1 पे जाएगा, जबकि जो मिनट हैंड है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री का उसने चक्कर लगा लिया होगा, यानी मिनट हैंड ने कितना टाइम कवर ज्यादा आगे कवर किया होगा आवर हैंड के कंपैरिजन में, 55 मिनट्स, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन इसके अलावा अगर बात करें, इन एवरी आवर बोथ द हैंड्स कोइंसाइड वंस, तो आप देखेंगे 1 घंटे के गैप के अंदर हमेशा जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है वो एक बार कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन आगे अगर बात करें, द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर कोई इंसिडेंट और अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो हैंड्स जो है, अगर हम मिनट हैंड की बात करें और आवर हैंड की, वो स्ट्रेट लाइन कब फॉर्म करेंगे, या तो एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कर रहे हो या एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। तो जैसे 12 बजे का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो आप देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, यानी मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। जब एक दूसरे के अपोजिट, जैसे 6 बजे का टाइम है, तो आप देखेंगे मिनट हैंड और आवर हैंड जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो तब भी फॉर्म हो रही है, तो वो भी एक हमारा, अगर स्ट्रेट लाइन वाले अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें कोइंसाइड और अपोजिट दोनों को हमें कंसिडर करना होगा। दैट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन देम इज आइदर जीरो, क्योंकि जब कोइंसाइड करेंगे तो एंगल जीरो फॉर्म होगा, और जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो 180 डिग्री, ठीक है। देन आगे अगर बात करें, तो वेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री, देन दे आर 15 मिनट्स अपार्ट। तो ये तो देखिए क्लियर है, जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो कितना कितना गैप होता है, 15 मिनट का, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 3 बजे का, तो यहाँ पे आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी अगर हम मिनट्स के में देखें तो 15 मिनट का डिफरेंस हो रहा है एग्जैक्ट 3 बजे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ठीक है। वेन द हैंड्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज 180 डिग्री, तो आप देखते होंगे 30 मिनट्स का डिफरेंस आता है, जैसे 6 बजे का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है ना। तो 30 मिनट्स का ही तो गैप है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको, ये तो देखिए पता ही होगा कि एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स, तो एक 12 घंटे में देखिए 360 डिग्री एंगल ये कवर करता है आवर हैंड, जबकि मिनट हैंड यही एंगल जो है 360 डिग्री 1 घंटे में, 60 मिनट्स में इतना एंगल कवर कर लेता है, ठीक है ना। जबकि हम देखिए, वही मैं कह रहा था ना आपको, सेकंड्स का तो देखिए फिर हम उसे कंपेयर कर ही नहीं सकते, वो तो देखिए बहुत जल्दी रोटेट होता है। तो इसलिए हमारा क्लॉक के अंदर मेनली दो ही हैंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक मिनट हैंड और आवर हैंड। तो मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री डिस्टेंस कवर करता है, जबकि जो आवर हैंड है वो 12 घंटे में इतना ही एंगल 360 डिग्री कवर करता है।
और ये मैंने खुद है जब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी जब एंगल 180 डिग्री का फॉर्म हो रहा हो तो वो एक दूसरे से 30 मिनट्स अपार्ट होंगे। जैसे एग्जांपल आप 6 बजे का ले लें, 3 बजे का लेंगे तो आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, यानी 15 मिनट्स का डिफरेंस होगा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर जो है मिनट हैंड जो है आवर हैंड के कंपेरिजन में 55 मिनट्स का जो है डिस्टेंस ज्यादा कवर करता है, ठीक है। चलिए तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी नोट डाउन कर लें। यानी द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड या ओवरलैप 22 टाइम्स इन अ डे और 24 आवर्स, ठीक है। तो 1 घंटे यानी 24 घंटे के अंदर जो है 22 बार जो है एक जो क्लॉक है मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, जबकि 12 घंटे के अंदर जो है 11 बार, इसको नोट डाउन कर लें। और 24 आवर्स के अंदर अगर बात करें अपोजिट के केस में बताएं तो द हैंड्स कोइंसाइड और आर इन अपोजिट डायरेक्शन 44 टाइम्स अ डे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सिर्फ कोइंसाइड की बात करें तो एक दिन में यानी 24 घंटे में 22 बार, अगर हम कोइंसाइड और अपोजिट दोनों को कंसिडर करें तो 44 टाइम्स, और 12 घंटे के अंदर 11 बार, ठीक है। कोइंसाइड वाला सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें, 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार, और अगर हम कोइंसाइड और अपोजिट दोनों को माने तो एक दिन में 44 टाइम्स। तो इंपॉर्टेंट चीजें इसे नोट डाउन कर लें। अब देखिए क्वेश्चंस के थ्रू इसको थोड़ा सा और इजी आपको कंसेप्ट लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाय हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट इन 6 आवर्स, ठीक है। तो जो आवर हैंड है हमारा 6 घंटे में कितने डिग्री से रोटेट करेगा, तो देखिए तो आप खुद ही माइंड से एज्यूम कर ले 6 घंटे, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 12 बजे हैं तो 12 से 6 में आप देखेंगे वन कितना एंगल कवर किया, 180 डिग्री का, ठीक है ना। तो ऐसा आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं कि एंगल ट्रेस्ड या कवर्ड बाय द आवर हैंड इन 6 आवर्स। तो बस आप 360 को जो है पहले तो 12 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 1 घंटे में आ जाएगा। 360 को जो आप 12 से डिवाइड करेंगे तो यानी 30 डिग्री जो है ये 1 घंटे में आवर हैंड कवर करता है, तो 6 घंटे में 30 × 6 हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कि 6 घंटे में जो आवर हैंड है वो 180 डिग्री का जो है डिग्री इसकी जो साइकिल है वो पूरी करता है, क्लियर है। तो ये तो बात होगी 6 घंटे की। अब बात करते हैं, ये तो देखिए मैंने आपको ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म राइट एंगल्स इन अ डे, ठीक है। तो 12 घंटे के अंदर 22 बार, इसे भी नोट डाउन कर ले, और 24 घंटे में 44 टाइम्स। ये जो मैंने आपको देखिए पिछली स्लाइड में यहाँ पे बताया था वो कोइंसाइड और ओवरलैप का था, ठीक है ना। 90 डिग्री का अगर आपको नोट डाउन करना है तो यहां से कर ले कि हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर्म राइट एंगल इन अ डे, तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला था कि 6 घंटे में आवर हैंड कितना कवर करता है, तो मैंने आपको बताया 1 घंटे में 30 डिग्री करता है, तो 6 घंटे में 180 डिग्री। अभी एक अच्छा क्वेश्चन, इसे भी नोट डाउन कर लें फिर इस सेशन को खत्म करते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 o'क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो यानी 4 और 5 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम होगा जब जो हैंड्स है यानी आवर हैंड और मिनट हैंड वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो देखिए आपको पता है जब 4 बजे का टाइम अगर आप एज्यूम करें तो उस टाइम पे 20 मिनट्स का डिफरेंस होता है ना, अगर आप 4 बजे का एग्जैक्ट 4 बजे हुए हैं तो कितना डिस्टेंस होगा, द हैंड्स ऑफ द वॉच आर 20 मिनट स्पेसिस अपार्ट, तो 20 मिनट का के डिफरेंस होगा इनके बीच में। टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन दे मस्ट बी 30 मिनट्स स्पेसिस अपार्ट, वो तो देखिए आपको पता है जब एक दूसरे के अपोजिट होने के लिए जो है 30 मिनट्स का डिफरेंस होना जरूरी है, जो मैंने आपको पहले फैक्चुअल पॉइंट्स में भी बताया कि 180 डिग्री का एंगल तो देखिए तभी फॉर्म होगा जब 30 मिनट का डिफरेंस होगा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, और अभी 4 बजे एग्जैक्ट में तो देखिए 20 मिनट का डिफरेंस होता है। सो इसका मतलब क्या है, मिनट हैंड विल हैव टू गेन 50 मिनट स्पेसिस, 30 + 20 है ना, ये ऊपर 30 मिनट तो अपोजिट के जाने के लिए और 20 मिनट का तो पहले ही डिफरेंस है, तो कम से कम जो है 50 मिनट का तो देखिए स्पेसिस इसे मिनट हैंड को कवर करना ही होगा। तो और ये भी हमें पता है कि एज 55 मिनट स्पेसिस आर गेन्ड इन 60 मिनट्स, ये तो देखिए मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि 1 घंटे के अंदर मिनट हैंड कितना स्पेसिस कवर करता है ज्यादा आवर हैंड के कंपैरिजन में, 55 मिनट्स। तो ये 55 मिनट स्पेसिस जो है वो अगर 60 मिनट में गेन होता है तो 50 मिनट के स्पेसिस कितनी देर में गेन हो गए, तो जो यूनिटरी मेथड है उसको आप अप्लाई कर दे 60/55 × 50, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 54 6/11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 54 6/11 पास्ट 4, यानी 4 बजे के बाद 54 मिनट्स और 6/11 आप इसको आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो है एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल यानी मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उस टाइम होंगे। ठीक है, आपको दोबारा बता देता हूँ, नॉर्मली एग्जैक्ट 4 बजे तो देखिए इनके बीच में 20 मिनट का डिफरेंस होता है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, और 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होने के लिए और 30 मिनट का जो है डिफरेंस होना पड़ेगा क्रिएट,
ठीक है ना। तभी तो देखिए 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा जब बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब 20 मिनट्स तो पहले ये मिनट हैंड को कवर कर रही है, और 30 मिनट और, तो 50 मिनट स्पेसिस कवर करने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा वो हमने यूनिटरी मेथड से यहाँ पे निकाल लिया। तो ये हमने जो लिखा ना 54 6 बाय 11 मिनट पास्ट 4, यानी 4 बजे के बाद और 54 6 बाय 11 मिनट, तो इस तरीके से भी हम इसे लिखते हैं। तो ये क्लॉक का बेसिक कंसेप्ट था, कोशिश की मैंने कि यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपको समझा दूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे एक बार वेबसाइट चले जाएं takshiralearning.com, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी बैंकिंग, SSC और रेलवे के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड। तो जरूर विजिट करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। Thank you.